नमस्कार दोस्तों, देव दर्शन राजस्थान यूट्यूब चैनल पर मैं विजय चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां आपको राजस्थान के पर्यटक स्थलों, मंदिरों, मेलों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और राजस्थानी संस्कृति से जुड़े वीडियो देखने को मिलेंगे। यदि आप भी इस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो देव दर्शन राजस्थान चैनल के साथ जुड़े। आज के वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं भगवान देवनारायण जी की जन्म स्थली मालाशेरी डूंगरी के दर्शनों के लिए। मालाशेरी डूंगरी राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की आसिन तहसील से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर आसिन शाहपुरा रोड पर स्थित है। मालाशेरी डूंगरी प्रकृति की गोद में हरियाली की छटा बिखेरती हुई बहुत ही सुंदर रमणीय स्थान है। इस डूंगरी की ऊंचाई लगभग 350 फुट है। कहा जाता है कि बगड़ावतों और राण के राजा के बीच हुए युद्ध के पश्चात जब सभी बगड़ावत मारे गए तब मालाशेरी डूंगरी पर सवाई बौद्ध बगड़ावत की पत्नी साधु माता खटाणी ने 12 वर्षों तक अखंड तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने देवनारायण जी के रूप में माघ छठ सातम शनिवार की रात को चट्टान फाड़कर कमल फूल की नाभि से उतार लिया। उसी क्षण मालाशेरी डूंगरी कुछ पलों के लिए पूरी तरह सोने की हुई। राजा इंद्र ने बरसात की और 33 करोड़ देवी देवताओं ने फूलों की वर्षा की और स्वर्ग से 5 कामधेनु गए उतरी। देव जी के अवतार से 6 माह पूर्व भादवी छठ पर इसी डूंगरी पर एक अन्य सुरंग से देव जी के घोड़े लीलाधर का अवतार हुआ और इसी के पास एक और सुरंग से नाग वासक राजा का अवतार हुआ। जिस जगह कमल का फूल निकला उस जगह अनंत सुरंग है। वर्तमान में उस सुरंग पर देव जी की मूर्ति विराजमान है। यहाँ स्थित देवनारायण जी के मंदिर की छत प्राकृतिक चट्टान से बनी हुई है और देवनारायण जी की अखंड ज्योत जल रही है। यहाँ स्थित पवित्र गुफा आज भी मानव संसाधनों से दूर है। कहा जाता है कि कई बार कोशिश की गई परंतु जैसे ही गुफा में कोई विद्युत उपकरण ले जाते हैं वह काम करना बंद कर देता है। मालाशेरी डूंगरी के मंदिर के ऊपर एक नीम का पेड़ स्थित है जो सैकड़ों साल पुराना है। इस नीम के पेड़ की विशेषता है कि 2 पत्ते एक साथ तोड़ने पर एक पत्ता कड़वा लगता है जबकि एक पत्ता कड़वा नहीं लगता। यहाँ पर हर रोज नाग बासक राजा को देसी गौ माता का दूध रखा जाता है और बासक राजा हर रोज दूध पीने आते हैं। भाग्यशाली भक्तों को बासक राजा आज भी दर्शन देते हैं। इसमें भादवी छठ सातम को विशेष महत्व रहता है। यहाँ पर सैकड़ों साल से पोसवाल गोत्र का गुजर परिवार भोपाजी के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में हेमराज पोसवाल सक्रिय पुजारी है। भगवान देवनारायण के दरबार में प्रतिदिन लाखों भक्त आते हैं जिनकी हर मनोकामना पूरी होती है। इसके कई जीवंत उदाहरण हैं। भक्ति के बड़े महीने श्रावण और भाद्रपद महीने में यहाँ लाखों श्रद्धालु कई प्रदेशों से व जिलों से ध्वज लेकर पदयात्रा आते हैं और 12 महीनों में यहाँ पर देव भक्तों के सहयोग से अखंड निःशुल्क भंडारा 24 घंटे चालू रहता है। यह गुजर समाज का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल है और सर्व समाज की आस्था का केंद्र है। मालाशेरी जाने के लिए भीलवाड़ा जिले के आसिंद शहर तक पहुंचना होगा जहां से मालाशेरी के लिए टैक्सी या टेम्पो उपलब्ध है। मालाशेरी डूंगरी मालाशेरी गांव के बाहर की तरफ स्थित है। यहां वाहनों को खड़े करने के लिए भी काफ़ी जगह है। मालाशेरी डूंगरी के नीचे हाल ही में मालाशेरी डूंगरी देवनारायण पैनोरमा का निर्माण किया गया जिसमें भगवान देवनारायण के जीवन की मुख्य घटनाओं का चित्रण किया गया है। पैनोरमा के मुख्य द्वार पर साधु माता और देवनारायण जी की काफ़ी विशाल मूर्ति स्थापित की गई है। देवनारायण मंदिर पहाड़ी के ऊपर स्थित है। यहाँ जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। सीढ़ियाँ जहाँ से शुरू होती है वहाँ दोनों तरफ देवनारायण जी की मूर्तियाँ स्थापित की गई है। सीढ़ियों के ऊपर की तरफ छाया के लिए चद्दर लगवा रखे हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते ही सबसे पहले देवनारायण जी का मंदिर दिखाई देता है और दोनों तरफ काला घोड़ा भैरू की मूर्तियाँ स्थापित है। इस मंदिर का निर्माण गुफा के मुंह पर किया गया है। कहा जाता है कि यही वह जगह है जहाँ साधु माता और हीरा गोजी ने भगवान देवनारायण जी को कमल के फूल के रूप में अवतरित होते देखा था और यहीं पर माता साधु की झोली में भगवान देवनारायण जी आए थे। देवनारायण जी के मंदिर के दाएं तरफ साधु माता और हीरा गोजी का मंदिर बना हुआ है और यहीं से पहाड़ के ऊपर जाने का रास्ता भी है जो आपको उस गुफा की ओर ले जाता है जहाँ भगवान देवनारायण जी ने शेरनी का दूध पिया था। थोड़ा ऊपर जाने पर पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर माता साधु की मूर्ति स्थापित है। यही वह जगह है जहां माता साधु ने भगवान विष्णु की आराधना की थी। यहां से नीचे आने के लिए दूसरी दिशा में सीढ़ियां बनी हुई है जहां से हम बासक नाग की गुफा तक पहुंचेंगे। यहां प्रतिदिन सुबह गाय का कच्चा दूध बासक नाग
के लिए रखा जाता है और कई बार नाग देवता साक्षात दर्शन देते हैं। तो चलिए वापसी करते हैं, जल्दी ही इसी तरह के किसी नई वीडियो के साथ वापस लौटेंगे। तब तक आप देवनारायण जी मंदिर मालाश्री डूंगरी का ड्रोन कैमरे से विहंगम नज़ारा देखिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।